तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल का काम होने वाला है, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो इंजीनियर है यहाँ का, उन्होंने नक्शा बना के हमको दिया है। तो डाउन करने की जगह नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे मिलाएंगे कि बना सकते हैं डबल बैंड, ठीक है। एक बैंड और दो बैंड को डबल बैंड करके अभी हम लोग उतार दिए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो का स्वागत है। दोस्तों आज कुछ हम लोग नया सीखने वाले हैं। इसमें क्या नया सीखेंगे, जैसे कि स्लैब में पाइप डाला सभी आम बात है, लेकिन इसमें कुछ अलग तरीके से आज हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक साइड है, लगभग ये 2000 स्क्वायर फीट में साइड है, और यहाँ पर हम लोग क्या काम करने वाले हैं, स्लैब में पाइप करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ बता दें कि यहाँ पर जो मकान बन रहे हैं, बिल्डिंग लगभग 4 से 5 फ्लोर तक ऊपर जाएगा, तो ग्राउंड फ्लोर से हम लोग काम स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग हमें मिला हुआ है कि इलेक्ट्रिकल जैसे कैसे कैसे काम होंगे उसके ड्राइंग हमें मिले हुए हैं। उसी ड्राइंग के अनुसार यहाँ पर हम लोग क्या करें, इस बिल्डिंग में काम करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग साइड छत पे आ गए हैं, अभी सरिया पूरी बिछी नहीं है, पीछे की साइड बिछी है, तो काम उधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जो हम लोग सामान यूज करने वाले हैं, एक बार आपको बता देते हैं, जो सामान हम लोग यूज करते हैं वो एस्टल कंपनी का यूज करने वाले। एस्टल में दो पाइप आती है, एक हैवी पाइप आती है, एक नॉर्मल आती है, एक मीडियम आती है। तो हम लोग यहाँ पर जो नॉर्मल होती है उसको यूज करने वाले हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो जो हम लोग फैन बॉक्स वगैरह यूज करने वाले हैं, केबर्ट कंपनी का फैन बॉक्स यूज करने वाले हैं। अगर इसका प्राइस जानना है तो हम स्क्रीन पर एक दिख रहा होगा वीडियो टाइप का, जाके उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा, चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, और ये हमारा स्पोर्ट बॉक्स है और ये हमारा बैंड है, सब कुछ नॉर्मल है जैसे डलते हैं। और यहाँ पर पाइप की जगह, टेप की जगह हम लोग सोल्यूशन यूज करते हैं, और टेप भी लाए हुए हैं 4-5 की, जरूरत पड़ेगा तो लगा लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, पेपर को पूरा भर देते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग आपको दिखाते हैं। अभी आपको एक बार यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल का नक्शा है वो अब आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर टोटल लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है इस बिल्डिंग का। तो पहले आप बता देंगे, जो सामने आप देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके उस कोने तक की टोटल लंबाई है 29 फीट है, ठीक है। और गहराई की बात करें दोस्तों 65 फीट है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल का काम होने वाला है, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो इंजीनियर है यहाँ का, उन्होंने नक्शा बना के हमको दिया है। उसी नक्शे के आधार पर हमको क्या करना है, लाइन पाइप बिछाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको पीछे ले चलते हैं, वहाँ से आपको दिखाते हैं, फिर आगे तक ले आते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ये हमारा यहाँ एंट्री पॉइंट था, और इधर का आगे का भी बाद में दिखाते हैं। सबसे पहले हम बैक साइड में आ गए हैं, थोड़ा सा ये प्लॉट तिरछा टाइप का है, तो आपको वहाँ से दिख रहा होगा, वहाँ से लेके वहाँ तक थोड़ा तिरछा दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर बीच में एक फैन बॉक्स दिया हुआ है, और 1, 2, 3, 4 लाइट, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे है, आप देख रहे हैं, यहाँ हम लोग सामान रख के बीच में फैन बॉक्स देना है, बीच में फैन बॉक्स देना है, 4 लाइट देना है, ठीक है। उसी तरह सेम उसी के बगल ओपन एरिया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ओपन एरिया है। तो हमारा यहाँ पे ओपन एरिया है, ये खुला है, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो ये बाथरूम बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक बाथरूम है। तो जिसमें से एक फैन हमको देना है और 2 लाइट देना है, स्पॉट लाइट देना हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग पीछे आते हैं, उसके बाद पीछे आने पर हमारा ये वाले रूम में आ गए हैं। तो इस वाले रूम में आ गए हैं, इस रूम में बेडरूम, यहाँ पे लिखा हुआ है ना बेडरूम, बेडरूम में वार्डोर है, ठीक है। तो बेडरूम में एक फैन देना है और 4 स्पॉट लाइट देना है, ठीक है, इस तरह के यहाँ पे दे देंगे। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, इधर आते हैं, इधर आने के बाद देखेंगे तो यहाँ हमारा छोटा सा किचन टाइप का बना हुआ है, यहाँ किचन है, किचन है। तो किचन में हमें एक फैन देना है और 2 स्पॉट लाइट देना। तो ये हमारा देख रहे हैं ना, ये वाला हमारा किचन है। चलिए ये वाला हमारा किचन है, उसके और पीछे आते हैं, इसके पीछे आते हैं तो हमारा आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लंबा रूम है, वहां से लेके आप देखेंगे तो यहाँ तक हमारा एक रूम आ रहा है, उस साइड से लेके इस साइड तक यहाँ पे ये लंबा रूम है। तो इस रूम में दोस्तों क्या दिया हुआ है ड्रॉइंग में, आप देखेंगे, पहले आपको ड्रॉइंग दिखा देते हैं, काफी लंबा रूम है। तो इसमें इंजीनियर ने कितना फैन बॉक्स का ड्रॉइंग बनाया हुआ है, तो आपको हम दिखा देना चाहते हैं ड्राइंग। एक बार पहले ड्राइंग देख लीजिए, जो लंबा रूम है इसमें 2 फैन दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2 फैन दिया हुआ है। अब सोच रहे होंगे ना बीच में क्या दिया हुआ है, बीच में झूमर दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ झूमर के लिए क्या लगा सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 2 फैन बॉक्स डालेंगे, 3 फैन बॉक्स डाल देंगे, ठीक है। झूमर के लिए भी 3 फैन बॉक्स, 1 फैन बॉक्स झूमर के लिए डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ झूमर बनाया हुआ है, उसके बगल में ड्राइंग हॉल है, तो यहाँ भी 1 फैन बॉक्स और 4 स्पोर्ट बॉक्स देना है।
ठीक है। तो दोस्तों क्या करना है, इसी तरह हमको काम को कंप्लीट करना है, ठीक है, सभी काम को इसी तरह कंप्लीट करना है। अगर आप पूरा बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जैसे जैसे नक्शे में बना हुआ है सेम डिजाइन देना है आपको। कभी अगर आप इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं तो आपको कभी घबराना नहीं है। आपको अगर इंजीनियर ड्राइंग दे देता है तो आप एकदम सिंपल आसानी से इस वीडियो को देख के आप ड्राइंग मतलब वहाँ पर स्लेब में पाइप डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब काम को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पीछे वाले रूम में आ गए हैं, तो यहाँ चार लाइट देना है और एक फैन बॉक्स देना है। तो मैंने एक फैन बॉक्स बीच में रख दिया है और जो लाइट रखना है वो दोनों दीवार किन्नर डिस्टेंस होना चाहिए। तो रूम के अकॉर्डिंग ये हमारा लगभग 10x10 का रूम है, तो हमने यहाँ पे दो फीट यहाँ छोड़ दिए हैं, ठीक है, 2 फीट लेफ्ट और 2 फीट राइट छोड़ के, और बीच में यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं स्पॉट बॉक्स कर दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि चारों स्पॉट बॉक्स को रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ही नहीं अकेले काम करने वाले, हमारे यहाँ जो साथ में काम करने कई लोग आए हैं काम करने के लिए, ठीक है। और हम लोग यहाँ बाथरूम में आ गए हैं, बाथरूम में एक फैन बॉक्स रखना है, 2 स्पॉट बॉक्स रखना है। अब स्पॉट बॉक्स को डाउन करना है तो यहाँ पर देखिए कोई डाउन करने की जगह नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे मिलाएंगे, क्योंकि ये ऊपर नीचे भी है इस फैन बॉक्स से, इस फैन बॉक्स को कैसे मिलाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये सिस्टम आप अपना सकते हैं डबल बैंड, ठीक है, एक बैंड और 2 बैंड को डबल बैंड करके अच्छे से सोल्यूशन के साथ इसको क्या करना है, लगाना है। थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे GI तार क्रॉस हो जाएगा, दोस्तों GI तार बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा, लेकिन आप जब इसको अच्छे तरीके से टेप वगैरह या सोल्यूशन वगैरह लगाएंगे तो यहाँ से हमारा 2 बैंड GI तार क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह आप कर सकते हैं इमरजेंसी में, अगर आपके पास ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो, ठीक है। चलिए हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है, और हमारा जो फैन बॉक्स था, फैन बॉक्स से हमने एक स्पॉट लाइट डाउन इधर कर दिए हैं, एक डाउन इधर कर दिए हैं, यहाँ देखिए हमने हथौड़ी तोड़ के डाउन कर दिया है, एक स्पॉट बॉक्स ये लगा दिए हैं, और ये आप देखेंगे तो एक स्पॉट लाइट दूसरा लगा दिए, और एक डाउन यहाँ पर भी हम लोग क्या करने चल रहे हैं, डाउन करने जा रहे हैं। बिल्कुल ईजी, बहुत सिंपल होता है छत की वायरिंग का पाइपिंग बिछाना, ठीक है। एक बार आपको समझना है और काम को सीखना है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर एक हमें डाउन करना है, तो इस तरह देखिए हम किस तरह अच्छे से यहाँ पे टेप वगैरह करके यहाँ पे हम लोग डाउन कर दिए हैं, उतार दिए हैं, ठीक है। हमारा ये वाले रूम का जहाँ तक है काम को पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, एक हमारा स्पॉट लाइट वहाँ से और हम लोग एक यहाँ लगा दिया। सोच रहे होंगे ये पाइप को क्रॉस कर दिए हैं तो क्या टूटेगा क्या, दोस्तों नहीं टूटने वाला नहीं है। अगर दोनों पाइप को हम लोग क्रॉस भी कर देंगे तो वो बिल्कुल नहीं टूटेगा। अभी आपको इस पर मसाला स्लेब वगैरह डाल के दिखाएंगे क्या पाइप टूटती है कि नहीं, नहीं टूटेगी, ठीक है। चलिए तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट रूम भी कंप्लीट हो गया है और सेकंड रूम में हम लोग काम करना स्टार्ट कर दिए, और सेकंड रूम भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दोनों का जो मेन होगा, इसका मेन देखिए यहाँ ले आए हैं खींच के, इस फैन बॉक्स में मिलाए हैं, और उसका मेन भी उसी फैन बॉक्स में मिला दिए हैं। अब इसका मेन कहाँ जाएगा, डायरेक्ट जहाँ पर बाहर है वहाँ पर मेन लाइट लगेगी, तो वहाँ जाएगा। ये देख लीजिए जो पीछे वाले रूम का हमारा दोनों पॉइंट था, यहाँ से ऐसे खींचते हुए यहाँ आप देखेंगे तो एक DV जंक्शन लगाए हैं, ठीक है। DV जंक्शन जो थोड़ा चौड़ा होता है, जंक्शन बॉक्स जैसा चौड़ा होता है, DV जंक्शन को हमने लगा के, ये देख रहे हैं ना, DV जंक्शन को वहाँ से हम लोग दोनों वाले पीछे रूम से ये ला के हम लोग और यहाँ पर मेन पाइप हम लोग उतार दिए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए दोस्तों, मेन पाइप हम लोग उतार दिए हैं। दोस्तों इसका आपको हम फुल वीडियो देंगे, जैसे कि पाइप को डाले हैं उसके बाद हम जब यहाँ पर झेरी काटेंगे तब देंगे, तार डालेंगे तब देंगे, स्विच बोर्ड फिट करेंगे तब देंगे। चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ जैसे कि स्लेब देखो डबल पाइप में स्लेब डाल दे रहे हैं, तो कोई पाइप हमारी टूट नहीं रही, एक पाइप ऊपर एक पाइप है, तो लोग सोचते हैं कि डबल पाइप टूट जाएगी, पाइप नहीं, ऐसा नहीं टूटेगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जब स्लेब स्टार्ट होने लगे तो आपको वहाँ रहना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, और हर जगह स्पॉट बॉक्स को आपको मसाला रख देना है, ठीक है। हर जगह मसाला आप जब रख देंगे तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।